सुनो, चाचा चाची ताऊ भतीजा सारे भैया सुनो, हम दुनिया का एक कछुआ नाटक लेकर आए, आप खोल कर देखो भैया, कहीं छूट ना जाए। हम आरोपी पीजी कॉलेज से एनएसएस वॉलेंटियर्स हैं। हम एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो नशा मुक्ति पे है, जिसमें एक कैरेक्टर चंदू का है जो नशे की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक नाटक। लोग कहते हैं मैं शराब, कहाँ गए दुकान? लोग कहते हैं मैं शराब। भैया शराब देना। कौन से? अरे वही देसी पौवा देना, देसी वाली। वाह आनंद आ गया। भैया नहीं है पैसे, वैसे मैंने कहा नहीं है पैसे, ले लेना बाद में, दे दूंगा पैसे तुम्हें। कब दोगे पैसे? तो अभी हमारे। अरे मैं दे दूंगा पैसे, नहीं है पड़े हो यहाँ पे। अरे तो तुम जानते हो कितने पैसे मांग रहे हो? किसी से मांग रहे हो मेरे पैसे? तो अभी नहीं है पैसे, खोली है। पैसे चाहिए तुझको? हाँ पैसे दो। ले पैसे, तेरी दुकान खरीद लूंगा मैं, देख लेंगे जाओ ठीक है। अरे यार पता नहीं कहाँ से आ जाते ठीक है, तुमने धक्का दिया, जाता हूँ मैं अपने घर। जाओ जा रहा हूँ मैं। रज्जो, अरे रज्जो गेट खोल, रज्जो आ रही हूँ। अरे कहाँ मर रही थी? खाना बना रही थी। गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मैं खाना बना रही थी। जाओ खाना लेके आ रही हूँ मैं, तो आपको दोगे मेरा काम है सुनती है। ये खाना है, चखना कहाँ है मेरा? जाओ चखना लेके आओ। पैसे नहीं है, चखना लेके आओ। नहीं पैसे, खाना खाने के तो पैसे नहीं चखना। अरे ये कैसा लड़की, तुम मेरी शादी करा दिए हो, मैं तो खाना बना चाहता है, तुम तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिए हो। अपने आप को देखे, पी के तो वैसे भी पड़े रहते हो। अरे आपको आपको पीने के लिए कौन मना कीजिएगा है? आप भी पीजिए ना, अमृत तो पीने की थी। ये अमृत ही है जो कि आपके नसीब में नहीं है। आप मरती तो जाओ, अभी जाके मर जाओ ना। रज्जो पैसे दो ना। कोई पैसे नहीं है घर में। अरे रज्जो पैसे दो ना। कोई पैसे नहीं है, बोलो ना। रज्जो पैसे दो ना। रज्जो पैसे दो। शायद बाद में उसको पता भी ना हो कि इसने क्या किया है, आज उसकी वजह से उसकी बेटी आज सीरियस हालत में है, उसे चोट लगी है, क्या पता आगे वो बचे या ना बचे। आज उसकी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो आइए देखते हैं आगे वो बचती है कि नहीं बचती है। चाची चलो मेरी मदद कर दो, मेरी बच्ची गिर गई है चोट लग गई। चाची मदद करो मेरी, चाची मदद करो मेरी, मेरी बच्ची। गिर गई मेरी बच्ची, खून बहुत कर रहा है। क्या हो गया? बहुत चोट लगी है।
डॉक्टर साहब बचा लीजिए, इसको तो बहुत चोट लगी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुझे करिए, मदद कीजिए मेरी। होटल अभी भी मदद करो मेरी बच्ची को बचा लो रवीना बहन। हम तुम्हारी मदद तो कर देंगे, लेकिन ये तुम्हारे रोज रोज का ऐसे चलता रहेगा। हम क्या करें रवीना, चलो पहले तुम्हारे पति से बात करना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? देखो जाके अपनी बेटी को, तुमने क्या उसका हाल किया? अरे मैंने अपनी बेटी को क्या हाल किया, मैं तो बिल्कुल ठीक। तुमने नशे की हालत में बिल्कुल उसको धक्का दे दिया। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मैं अपनी बेटी पे हाथ नहीं उठा सकता, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाडली है मेरी बेटिया। इतना तुमने उसके सर पे चोट पहुँचाई है कि उसे खून निकला, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या हो गया मेरी बेटी को, कैसे? उसके सर पे चोट लगी, 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? मैं गरीब आदमी 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? प्लीज मेरी मदद करो, मैं गरीब आदमी हूँ, प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, प्लीज। मदद कर देंगे, लेकिन तुम्हारा रोज रोज का ऐसे चलता रहेगा। नहीं नहीं, मैं शराब को आज की बात में कभी हंसते नहीं लगाऊंगा, प्लीज। मैं अपनी वाइफ रंजू की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, प्लीज मेरी वाइफ की मदद कर दीजिए, प्लीज। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज मेरी बच्ची की बचा लीजिए। चलो मेरी बच्ची कहाँ पे है, मेरी बेटी कहाँ, मेरे को ले चलो। तो जैसा कि आपने अभी देखा चंदो, चलो आज उसने क्या किया, अपनी बेटी के हाथ गाए, चलो आज रवीना सिस्टर ने उसको बचा भी लिया, लेकिन उससे पहले मोहल्ले के लोगों के पास गया, पड़ोसियों के पास गया, अपनी फैमिली के पास गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। सबने साफ मना कर दिया कि भाई वो नशेड़ी है, हम क्या मदद करें उसकी, वो आज ये कर रहा है कल फिर नशा करके करेगा, लेकिन आज उसने अपनी वाइफ की कसम खाई है, तो आगे वो निभाएगा कि नहीं निभाएगा, चलिए अब वो भी देखते हैं। अमृत है अमृत। अरे चंदू मेरे भाई, और भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया मेरा भाई, और बता भाई सब बढ़िया हो? मैंने शराब, भाई एक खुशखबरी देनी है तुमको भाई, मैंने शराब छोड़ दी। ये क्या चंदू बता रहे हो तुम, तुमने शराब छोड़ दी? कुछ नहीं हो, मैंने शराब छोड़ दी। नहीं चंदू, ये अमृत है अमृत, ये जहर है। नहीं चंदू, इसकी वजह से ही हम दोनों की दोस्ती हुई थी, दोस्ती और हम लोगों का वादा हुआ था, इसकी वजह से ही तो हमारी दोस्ती सलामत है ना मेरे भाई। नहीं भाई, लेकिन ये जहर है, इसके कारण मेरी पूरा फैमिली बर्बाद हो गई, यहाँ तक इसकी वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। ये शराब नहीं, ये जहर है, इसको तुम छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें शराब पीने नहीं दूंगा। तुमने शराब फेंकी? हाँ मैंने शराब फेंकी। तुमने शराब फेंकी? हाँ मैंने फेंकी। तुमने है मेरी दोस्ती को क्या बर्बाद कर दिया? क्या आपने दोस्ती शराब को बढ़ गया है क्या? नहीं चंदू, तुमने गलत काम किया है शराब को फेंक कर, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं मारूंगा। तुम नहीं मार सकते, मैं मारूंगा। सही किया, शराब क्यों फेंकी? शराब भाई फैमिली बर्बाद कर दिया, शराब क्यों फेंकी? नहीं शराब जैसे कि आपने अभी देखा चंदू, इसने शराब पैसों की दिक्कत होती है, मेंटली दिक्कत होती है, तो परिवार में कोई मिल से रह भी नहीं पाता है। चलो आज
चंदू के जरिए हम लोग एक शपथ खाते हैं, चंदू चलिए एक शपथ खाते हैं कि दोबारा कोई भी शराब नहीं पिएगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, और ना ही किसी को करने दूंगा, ना ही किसी को करने दूंगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत मैं भारत को नशा मुक्त बनाने का शपथ लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चंदू बनना चाहोगे या उसके दोस्त? आप लोग से पूछ रहा हूँ। चंदू ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है, और एक मैं उसका दोस्त है जिसकी लाइफ में अभी भी वो दिक्कतें चल रही है। क्या पता आगे उसकी लाइफ में